हनुमान जी के द्वारा रामायण लिखे जाने की एक बेहद सुंदर कथा है। एक बार हनुमान जी की इच्छा हुई महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण को पढ़ें। इस महान पुराण को पढ़कर वे आनंद विभोर हो गए। मानव इतिहास में महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण वेदों के समतुल्य मानी जाती है। फिर भी हनुमान जी को लगा कि इस रामायण का और भी विस्तार किया जा सकता है। प्रभु श्री राम के गुणों का बखान उनकी लीला से कहीं बढ़कर है, इसलिए उनके गुणों को और अधिक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रामायण की जानकारी वाल्मीकि जी को योग के माध्यम से मिली थी, जबकि हनुमान जी तो राम जी के साथ सदा सदा ही थे, इसलिए हनुमान जी ने अपनी खुद की रामायण लिखने का निश्चय किया। हनुमान जी ने रामायण लिखनी शुरू की। वे लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, भूख प्यास नींद सब भुला बैठे। उन्होंने अपनी रामायण एक विशाल पर्वत के बड़े बड़े पत्थरों पर लिखी। हनुमान जी के द्वारा रामायण लिखने की बात चारों तरफ फैल गई। बात वाल्मीकि जी के कानों तक भी पहुंची। वे चिंतित हो उठे। हनुमान जी क्या करने में लगे हुए हैं? उन्होंने खुद जाकर स्थिति का पता लगाने की सोची। वाल्मीकि जी उस पर्वत के पास पहुंचे जहां हनुमान जी पत्थरों पर रामायण लिखने में जुटे हुए थे। हनुमान जी वाल्मीकि जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी को गले से लगा लिया। वाल्मीकि जी हनुमान जी की रामायण पढ़ना चाहते थे। हनुमान जी उन्हें पर्वत के चारों ओर बिखरी चट्टानों के पास ले गए, जिन पर उन्होंने बेहद सुंदरता से रामायण के श्लोक लिखे थे। वाल्मीकि धैर्य के साथ हर चट्टान पर लिखे श्लोकों को पढ़ते गए। उन्हें पूरी रामायण को पढ़ने में 1000 साल लगे। महर्षि भाव विभोर उठे। संपूर्ण धरती पर ऐसी सुंदर रचना पहले न तो कभी थी और न आगे कभी होगी। लेकिन यह शब्द कह वाल्मीकि जी का गला रुंध गया और उनके आंसू बहने लगे। हनुमान जी वाल्मीकि जी की भावनाओं को समझ नहीं पाए। उन्होंने बहुत ही मृदुल वाणी में उनसे कहा, हे आदि कवि, क्या हुआ? मुझसे कोई त्रुटि हुई? कृपया मुझे बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि गलती सुधार कर आपको प्रसन्न कर सकूं। महर्षि किसी तरह अपने को संभाल कर बस इतना ही बोल पाए, अब मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? बात समझने में हनुमान जी को अधिक वक्त नहीं लगा। हनुमान जी भारत के सबसे चहेते और सबसे अधिक भक्ति पाने वाले भगवान थे। लोगों ने अन्य दूसरे देवताओं की पूजा करीब करीब बंद कर दी थी। हर शहर, हर गांव, हर पेड़, हर पत्थर हनुमान जी की छवि में बनाए जा रहे थे। ऐसे समय में अगर उनकी रामायण लोगों तक पहुंच जाती तो किसी भी दूसरे कवि की, किसी भी दूसरे भक्त की रचना कोई नहीं पढ़ता। आदि कवि वाल्मीकि जी की रामायण पीछे छूट जाती। हनुमान जी ने उस विशाल पर्वत के लाखों पत्थरों को देखा जिन पे उन्होंने रामायण लिखी थी। उन्होंने पलक झपकते ही पूरे पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया और प्रकाश की गति से उस पर्वत को विशाल समुद्र में डुबो दिया। वाल्मीकि जी भौचक्के रह गए और बोल पड़े, हे प्रभु, यह आपने क्या किया? कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह मैंने क्या कह दिया? मैं स्वार्थी हो गया था। मैं अपनी प्रतिष्ठा और अपनी रामायण की ख्याति में अंधा हो गया था। कृपया अपनी रामायण वापस लाइए। हनुमान जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, श्री राम के अन्य भक्तों की रचनाएं मेरी रामायण से कहीं अधिक मूल्यवान है। यही कारण है कि हनुमान जी की त्याग और प्रभु श्री राम की भक्ति अद्वितीय है और इसीलिए वे श्री राम के सर्वोच्च भक्त हैं।